श्री गणेशाय नमः। नागपंचमी की कहानी। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके सात पुत्र थे। सातों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सांप से किया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह दूध का कटोरा साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यही जानते थे कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, इसमें उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र भूषण आदि देकर उसको घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होना चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और रानी राजा से वह हार पहनने की इच्छा प्रकट की। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी ने छोटी बहू का हार मंगवाया है, वह हार लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ऐसे ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दे दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। तब उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि नागपंचमी को सब कोई ठंडी रोटी खाना चाहिए, कहानी सुनना चाहिए और नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। हे नाग देवता, जैसे छोटी बहू को पीहर दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हुकारा बढ़ते अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना। बोलिए नाग देवता की जय।